24 न्यूज एक्सप्रेस में सीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सेठ गोविंदास विक्टोरिया जिला चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं से मरीज संग परिजन हो रहे परेशान। हमारी टीम द्वारा सेठ गोविंदास विक्टोरिया जिला चिकित्सालय में निरीक्षण किया गया, जिस दौरान मरीज के परिजनों ने बताया कि जिला चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। पंजीयन पर्ची बनवाने के लिए बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में महिला, पुरुष व दिव्यांगजनों की अलग अलग कतार लगाई जा रही थी। वर्तमान में सभी को एक लाइन में लगाकर कोरोना महामारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे मरीज व उनके परिजनों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उसी दौरान रुखसाना अंसारी ने बताया कि मेट्रो निजी अस्पताल पर आयुष्मान कार्ड अंतर्गत इलाज कराए जाने के बाद अस्पताल द्वारा 1,20,000 रुपये लिए जाने बाद बताया जाता है कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा सिर्फ रुपये 10 आवंटित किया गया है, जिसकी सूचना आयुष्मान कार्ड अधिकारी को आवेदन द्वारा दिया गया। इसी दौरान हमारी टीम ने प्रशासनिक अधिकारी संजय जैन से जानकारी चाही, जिस पर अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरते हुए बताया कि त्यौहारिक अवकाश पर के बाद पहला ओपीडी है, जिस कारण से हमारे जिला चिकित्सालय में थोड़ी अव्यवस्था पाई जा रही है। MBCG 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। ये 4-5 महीने से परेशान हो रहे हैं। 4 महीने से मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज करवाए थे लड़की का, ये कहते पेट की आंतें पूरी पलट गई थी, तो ये मेट्रो वाले ने आयुष्मान लगाने से मना कर दिया है ना। अब हमने जैसे तैसे करके इलाज करवाया तो इन लोग ने आखिरी में हम लोग से 6-7 हज़ार रुपये इनको और देना था, तो इन लोग ने आयुष्मान कार्ड लेके हम लोग से आयुष्मान कार्ड भी लगा दिया और 1,20,000 रुपये भी हम लोग से ले लिया। अब हम लोग चक्कर काट रहे, आयुष्मान से हमारे पास फोन आया कि आप क्या बोलते इलाज आपका अच्छा हुआ आयुष्मान कार्ड से, आप संतुष्ट हैं कि नहीं। हम लोग ने बोले नहीं, हम लोग से 1,20,000 रुपये लिए, अगर आयुष्मान से तो कोई बात ही नहीं करे, कहते सिर्फ 10,000 रुपये पास हुआ आयुष्मान कार्ड से। ऐसे करके हम लोग से बोला गया तो हम लोग 181 में शिकायत करें तो उधर से हम लोग के पास फ़ोन आया कि आप इधर जाइए विक्टोरिया में और जाके अपनी जांच जो आयुष्मान विभाग के हैं उनको अपने जांच दिखाइए। इधर से भी फ़ोन गया था तो हम लोग ने पूरे अपनी जो उधर बिल था हम लोग के पास जो भी थोड़ा बहुत था वो हम लोग ने उसकी फ़ोटो काफ़ी व्हाट्सअप करे और जिस चीज़ का इलाज हुआ आते जो पलट गई थी उस चीज़ का इलाज हुआ तो वो भी हम लोग ने। विक्टोरिया में किससे आपने मिले, क्या नाम उनका? विक्टोरिया में किस अधिकारी से बता रहे? आयुष्मान विभाग के जो बड़े अधिकारी आपको, उन्होंने ये बोला कि आप रुक जाइए 1 महीने अभी और आप 1 महीने तक रुकिए, आप फिर आपको हम बताएंगे, आप 1 महीने तक अभी आपको रुकना पड़ेगा। आपने लिखित शिकायत दर्ज की आपने? जी लिखित शिकायत दर्ज कर दी है। क्या नाम है आपका? शहनाज बेगम। कहाँ से हो? रद्दी चौकी सैफ नगर। क्या हो गया? पर्ची बनाने के लिए पहले वो बाहर बिल्डिंग से अंदर बिल्डिंग, अंदर बिल्डिंग से बाहर बिल्डिंग, बड़े मुश्किल से जाके पर्ची बनी, तकलीफ में। क्या हो गया आपको, कौन सी बीमारी में आप आए हो? हमें हड्डी का वो दिखाना था, पीठ में दर्द हो रहा था उसके लिए। क्या आप एक हाथ नहीं है क्या, विकलांग है क्या? हाँ। कोई डॉक्टर आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं क्या? अब दिखा दिए डॉक्टर को अभी, अब आप पर्ची बनाने में जो है आगे पीछे, पहले विकलांगों के लिए अलग लाइन होती थी वो भी नहीं है, अब पहले सब इसी लाइन में लगो, विकलांगों की कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा है। सर आज आपके विक्टोरिया हॉस्पिटल कैंपस में देखा गया बूढ़े सियाने बच्चे महिलाएं, काफ़ी लोग बहुत भीड़ में लगे हैं पर्ची कटाने के लिए। इस दौरान कुछ लोग एक दूसरे को गलत अपशब्दों से भी उपयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इनको रोकथाम करने के लिए और इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं, और हमारे देश से सभी वर्तमान में कोरोना ख़त्म नहीं हुआ सर, कम हुआ है, लेकिन हमारे विक्टोरिया हॉस्पिटल में इस तरह से अगर भीड़ रहेगा तो जबलपुर में अच्छी बात है हमारे कोरोना के केसेस नहीं आ रहे, लेकिन सर ऐसी अव्यवस्थाएँ को देखते हुए सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए सही बात है, जैसा आपने बोला कि आज बहुत दिनों बाद अस्पताल में भीड़ आई, क्योंकि दीपावली दशहरा जो अभी छुट्टियों के बाद की जो ये पहली ओपीडी थी तमाम त्योहारों के बाद, पिछले 2 दिनों से भी छुट्टी थी उसके बाद ये पहली ओपीडी पड़ी है। इस कारण नो डाउट आज अस्पताल में पहले के मुकाबले अत्यधिक भीड़ देखने को मिली है।
जैसे कि आपका कहना है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, ये तो समस्या हमारे देश में है, ये हमारे जबलपुर में, कि हम लोगों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कम से कम कोरोना जैसा कि आपने बोला कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो लोगों को ये तो मानना पड़ेगा कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। जिसके लिए हमने अपने यहाँ ओपीडी के लिए चार, पहले दो पर्ची काउंटर होते थे, इस समय चार पर्ची काउंटर अलग है, और वृद्धजनों के लिए एनसीडी का एक काउंटर अलग है और कैजुअलिटी में अलग है, इस तरह कुल मिला के 6 से 7 काउंटर रनिंग में है, तो ताकि भीड़ ना हो। लेकिन देखा जा रहा है कि लोगों को कम समय में ज़्यादा लोग जो चाहते हैं उपचार का, सबको एक प्रथम आउं करके ओपीडी 4 बजे तक खुली है। हमारी सबसे अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग से आइए, 4 बजे तक ओपीडी खुली, सभी को संभव उपचार मिलेगा। सर वहाँ कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चियां भी हैं सर यंग जनरेशन में, तो कुछ यहाँ पे जो जेंट्स हैं वो असत्य की यूज़ कर रहे थे जो कि बहुत शर्मनाक हम लोगों ने सुने देखे, तो हम लोग तो अपने तरफ से लोगों को संजेस दिए, क्या हमारे विक्टोरिया प्रशासक के तौर पे क्या सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति नहीं हो सकती क्या पब्लिक को रोकथाम करने के लिए? सिक्योरिटी गार्ड हमारे यहाँ है, पहले से है सिक्योरिटी गार्ड, कैजुअल्टी में, पंप हाउस में, ओपीडी में, आईपीडी में, समस्त जगह के सिक्योरिटी गार्ड के हमारे जो कर्मचारी लगे, क्लास 4 भी हमारे कर्मचारी हैं जो कि इन सब चीज़ों से बचाव के लिए रहते हैं, भी मध्यस्थता के लिए। लेकिन अब चूंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत दिनों बाद भीड़ आई है और लोगों का ऐसा रहता है कि तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, हालांकि सिक्योरिटी गार्ड हमारी सब तरफ है। सिक्योरिटी गार्ड सर एक भी नहीं दिखा, ड्यूटी आवर्स में एक भी नहीं दिखा, हमने काफ़ी देर से हमारी पूरी टीम इस समय निरीक्षण कर रही थी, काफ़ी लोगों इस बारे में जानकारी भी देखता हूँ, हालांकि मेरी जानकारी जैसा आपने बताया। थैंक यू सर।